हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे है जो आपके लिए बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है जो आप फॉलो कर सकते हो अगर आप सक्सेसफुली रोज़ ग्रोइंग करना चाहते हो तो। अब जैसे कि फ्रेंड्स, मेरी हर एक वीडियो क्लाइमेट के चेंजेस के अकॉर्डिंग बनती रहती है। जैसे जैसे फ्रेंड्स मेरे या क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, वैसे वैसे फ्रेंड्स मैं वो हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट फॉलो करता हूँ मेरे अपने रोजेस के अंदर, वो सारी चीज़ें मैं आपको डे बाय डे अपडेट करते रहता हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड्स, पिछले 3-4 दिन से मेरे या क्लाइमेट में और ज़्यादा चेंजेस आए हैं। सबसे पहला चेंजेस ये आया है कि बारिश और ज़्यादा कम हो चुकी है। क्लाउडी क्लाइमेट जो था मेरे या, वो क्लाउडी क्लाइमेट थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू हो चुका है और सनलाइट आना शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे जब ऐसा क्लाइमेट क्रिएट होता है तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपके क्लाइमेट में गर्मियाँ आना स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा सा वार्मनेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही फ्रेंड्स वार्मनेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, प्लांट के अंदर सबसे पहली चीज़ तो आपको करनी होगी वो है वाटरिंग। जितनी ज़्यादा गर्मियाँ उतना ज़्यादा पानी, यानी कि बारिश की सीज़न में हम दिन में एक आध बार पानी दे देते हैं अगर आप सिंडर में लगाते हो, और अगर आप कोकोपीट में लगा देते तो 2 दिन में एक बार पानी दे देते थे क्योंकि बारिश का पानी इतना जाता था। लेकिन अभी बारिश का पानी नहीं जा रहा है, हमें सामने से वाटरिंग करनी है। भरपूर पानी दीजिए सुबह और दोपहर को या तो शाम को, 2 टाइम तो अच्छी तरह पानी देना है। और अगर सिंडर में अगर आपने लगाया है तो 3 टाइम पानी दीजिए, आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। ये पहला पॉइंट फॉलो करना है ये क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है जो आपको फॉलो करना ही करना है। अगर ये पॉइंट आपने फॉलो नहीं किया तो बाद में आपके रोजेस पेस्ट से अटैक हो जाएंगे, यानी कि माइट्स अटैक आपके प्लांट के ऊपर इजीली लग जाएगा। क्या पॉइंट फॉलो करना है वो है, लीव्स के नीचे, एग्जैक्टली लीव्स के नीचे आप अपने प्लांट के ऊपर शावरिंग करिए। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रैक्टिस है, ये आपको डेली करनी है। ऐसा एक भी दिन जाना नहीं चाहिए कि आपने लीव्स के नीचे पानी स्प्रे नहीं किया हो। आप प्लांट को उठा सकते हो, जैसे कि मैंने स्टैंड नीचे रखे हुए हैं, प्लांट को थोड़ा सा हाइट पे ले लीजिए, मोटर से प्लांट को शावरिंग करिए, या तो आप स्प्रे पंप से शावरिंग करते हो तो स्प्रे पंप से शावरिंग करिए। फोर्सफुली शावरिंग होनी चाहिए और बाद में लीव्स के नीचे, एग्जैक्टली लीव्स के नीचे हमें डेली शावरिंग करनी है। अगर आप 2 बार शावरिंग करोगे सोने पे सुहागा, आपके प्लांट के ऊपर माइट्स अटैक इजीली नहीं होंगे। क्योंकि जैसे ही ये क्लाइमेट क्रिएट होता है, सनलाइट आती है, गर्माहट क्रिएट होती है, तो ये क्लाइमेट सबसे बेस्ट क्लाइमेट होगा आपके पौधों के ऊपर माइट अटैक का। ये बहुत ही फेवरेबल सीजन होती है माइट्स की, तो ये क्लाइमेट में माइट्स आराम से होंगे। तो ये सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, प्लांट के लीव्स के नीचे शावरिंग करनी ही करनी है, फोर्सफुली शावरिंग करिए। अभी भी फ्रेंड्स सुबह मैंने आया, मैंने शावरिंग की लीव्स के ऊपर, लीव्स के नीचे, दोनों साइड मैंने शावरिंग कर ली। प्लांट के लीव्स साफ रहेंगे और माइट अटैक, थ्रिप्स अटैक नहीं होंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है। देखिए, यहाँ पे आपको इंसेक्टिसाइड का सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ठीक से इंसेक्टिसाइड का सिलेक्शन नहीं किया तो आपके प्लांट के ऊपर माइट्स और थ्रिप्स दोनों लगेंगे। तो आपको ओबेरॉन इंसेक्टिसाइड, जी हाँ फ्रेंड्स, जो मैं यूज़ करता हूँ ओबेरॉन इंसेक्टिसाइड आपको स्प्रे करना है। ओबेरॉन इंसेक्टिसाइड बेसिकली थ्रिप्स पे भी चलता है और माइट्स पे भी चलता है। ये माइट्स पे ज़्यादा असरदार रहता है, थ्रिप्स पे भी असरदार रहता है, लेकिन ओबेरॉन इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना शुरू कर लीजिए। ओबेरॉन इंसेक्टिसाइड अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो लीव्स के नीचे ज़रूर स्प्रे करिए। बिल्कुल मत भूलिए कि लीव्स के नीचे नहीं करना है, लीव्स के नीचे आपको ओबेरॉन का स्प्रे करना ही करना है। इससे आपके प्लांट के ऊपर माइट अटैक नहीं होंगे। दूसरा इंसेक्टिसाइड है वो है एमिडाक्लोप्रिड। एमिडाक्लोप्रिड बेसिकली थ्रिप्स के लिए काम आता है, तो थ्रिप्स के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेलीबग्स और एफिड्स जैसी बीमारी भी ये सीज़न में अक्सर लगती है, तो इसीलिए उसमें भी ध्यान रखिए, एमिडाक्लोप्रिड का भी स्प्रे करिए। अब दोनों इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कॉम्बिनेशन करके स्प्रे नहीं करना है, दोनों का डोज मैं बता देता हूँ। ओबेरॉन आपको 15 ml लेना है 20 लीटर पानी में, तो वो हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप 10 लीटर पानी लेते हो तो 7 ml लीजिए, तो ये हिसाब से ओबेरॉन का एग्जैक्ट डोज है और वो हिसाब से आप आगे कैलकुलेट कर सकते हो पानी के हिसाब से। एमिडाक्लोप्रिड आपको 1 ml लेना है 1 लीटर पानी में, तो ये इनका डोज है। अब ये मत सोचिए कि एमिडाक्लोप्रिड कर रहे हैं तो माइट नहीं लगेंगे। देखिए, एमिडाक्लोप्रिड माइट्स पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, माइट्स पे काम करेगा ओबेरॉन, और वो सबसे बेस्ट इंसेक्टिसाइड होगा माइट्स के लिए।
तो इसीलिए माइट्स के लिए ओबेरॉन और थ्रिप्स के लिए एमिडाक्लोप्रिड, ये दोनों इंसेक्टिसाइड चलने दीजिए। कैसे चलने देना है? एक हफ्ते आपको ओबेरॉन करना है, एक हफ्ते आपको एमिडाक्लोप्रिड करना है, ये हिसाब से आपको करते रहना है और लगातार करते जाइए जब तक आप अपने प्लांट के ऊपर से प्रूनिंग नहीं करते। जिस दिन मैं प्रूनिंग की वीडियो बनाऊंगा कि कौन से टाइम कौन से टेम्परेचर पे हमें एग्जैक्टली प्रूनिंग करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये पॉइंट अभी आप फॉलो करते जाइए जो दो पॉइंट मैंने बताया, अच्छी तरह वाटरिंग, शावरिंग और इंसेक्टिसाइड, ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिए ये सीज़न में। फर्टिलाइज़र तो जैसे कि मैंने बताया वो भी आप कंटिन्यू रखिए, अगर आप डोरमेंट नहीं ले जाने वाले तो ये फर्टिलाइज़र्स आप अपने प्लांट पे ऊपर कंटिन्यू रखिए। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।